हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन को आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि सिंपल इक्वेशन को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 3x/4 प्लस xy6 इक्वल 22। जब इस प्रकार के अलजेब्रिक इक्वेशन हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर 2 से लगाएंगे 2, यहाँ 3, फिर 2 से लगाएंगे 1, 3, फिर 3 से लगाएंगे 1 और 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 12। तो यहाँ 12 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, फिर गुने ऊपर 3x है तो 3x, फिर प्लस 6 के टेबल में 12 कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ 2 लिखेंगे, गुने ऊपर x है तो x, फिर इक्वल 22 है तो 22 लिख देंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 9, साथ में x है तो 9x, प्लस 2 × x 2x, नीचे 12 है तो 12 लिखेंगे, फिर 22। अब 9x प्लस 2x ये हो जाएगा 11x/12 = 22, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x × 1 11x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22 × 12। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 22 × 12 / 11 डिवाइड में आ जाएगा। अब ये 11 से 22 कट गया दो बार में, तो क्या क्या बचा, 2 × 12, तो ये हो जाएगा 24। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है 5x/3 = 1/4। इसमें क्या करना है, इसमें हमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। इसमें कोई एलसीएम नहीं निकालना, इसमें डायरेक्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हैं। तो 5x × 4 ये 20x हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x आ जाएगा 3/, ये 20 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गया 3/20। जब इस प्रकार से आए तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अलजेब्रिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।